डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर पहले दिन का पहला पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ताल ठोककर गुरुजी वर्ड, पूरा सा पूरा पेपर वैसा ही करवाऊंगा जिसे आपको लिखने में आसानी हो, और यहां से पूरे पूरे क्वेश्चंस आपको 80% मिलने वाले हैं। और आप पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा जहां से पूरा 90 नहीं 99% पेपर फंस रहा है इस पेपर का, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 1 से 15 तक के जैसे क्वेश्चन आते हैं कि 1 से 15 तक के भैया बहुविकल्पी आते हैं, फिर उसके बाद अति लघु आते हैं, फिर भैया उसके बाद लघुत्तरी आते हैं। तो आपको हम क्राइटेरिया दे रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आप कहोगे सर आदर्शवाद केवल उद्देश्य पर हम जो है प्रेरित करता था, तो भैया उद्देश्य हो जाएगा आदर्शवाद से संबंधित। राममूर्ति समिति जो है 1990 में क्यों गठित हुई? अब यार याद रखना कि जब भी राममूर्ति की बात आए तो वो 1990 में ही गठित हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा एक नीति लागू हुई थी 1986 में, जो उसकी समीक्षा के लिए। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो आप कहोगे 1986 में, ठीक है। राधाकृष्ण आयोग की संस्तुतियां जो है संबंधित थी, किससे संबंधित थी? उच्च से, प्राथमिक से, माध्यमिक से, तकनीक से? तो आप कहोगे सर उच्च शिक्षा से। बुड का आज्ञा पत्र काफी इंपॉर्टेंट है, तो बुड का आज्ञा पत्र जो है 19 जुलाई 1854 में हुआ था। अगर बात करते हैं निस्यंदन सिद्धांत, यूपीटेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। और निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लघु उत्तरी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन को फंसना है तो फंसना है, ठीक है। मैकाले ने अपना, ये हमने जो है मैकाले की बात करी थी अभी ऊपर, तो मैकाले यहाँ पर देखिएगा, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पर जो है 1835 में, जबकि बुड का था भैया 1854, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? तो वैदिक शिक्षा का जो है उपनयन था, जबकि बौद्ध की बात करें तो भैया क्या था, बौद्ध की क्या था, बौद्ध की था प्रवज्जा संस्कार, ठीक है, प्रवज्जा। प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रारंभ होती है कहां पर? बाल्यावस्था से। और प्रारंभिक शिक्षा भैया ये भी पता होगा कि कहां से प्रारंभ होती है, तो भैया बाल्यावस्था और घर का मामला जो होता है, क्योंकि भाई प्रारंभिक शिक्षा जो है उसका घर ही होता है। शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भैया अरस्तु का है। शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, तो ये भैया हो जाएगा अरस्तु का। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है, बार बार फर्स्ट सेमेस्टर से इसको पढ़ाते आया हूँ। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये किसने कहा है? ये भी मैंने बहुत बार बताया है कि रूसो ने कहा है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम, तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम कैसा होगा? आप कहोगे सर फारसी, उर्दू बच्चे जो लगाएंगे वो यहाँ पर गलत हो जाएंगे, फारसी हो जाएगा। वैदिक कालीन जो है शिक्षा संबंधित है, तो वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो वेदों से संबंधित है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो फ्रावेल। अब यहाँ पर किंडरगार्टन बहुत बार पढ़ा होगा, तो भैया फ्रावेल हो जाएंगे। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की जो है स्थापना करी थी? तो पांडिचेरी में, या पांडुचेरी इसको बोला जाता है, या पांडिचेरी बोला जाता है, ये शिक्षा शास्त्री थे जो है आपके अरविंद घोष। आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पाठशाला को बाग और शिष्य को पौधा और शिक्षक को माली, ये भैया किसने दिया था? फ्रावेल। किंडरगार्टन याद है, ठीक है। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। शिक्षण विधि के जनक कौन है? आप कहोगे सर सुकरात। प्रकृतिवाद को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? भौतिकवाद से। फास्टली करा रहा हूँ, परेशान मत होना, क्योंकि ये सुपर फास्ट रिविजन है। फ्रावेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? 1839 में। बुड पढ़ा चुका हूँ, और ऊपर अभी मैकाले पढ़ाया है, तो ये सारे विवरण पत्र याद रखना, इनका डेट याद रखना। शिक्षा नीति बताई थी, अभी आयोग बताया था, राममूर्ति वाला 90 वाला और 86 वाला जो है आपका शिक्षा नीति। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए, भाई समाज में रहते हो तो समाज के प्रमुख कार्य अपने आप लिख सकते हो ना, कि भाई समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। मूल्यों का अर्थ, मूल्य का मतलब होता है वैल्यू, इंग्लिश शब्द इसको वैल्यू कहते हैं, VALUE। वैल्यू एक हिंदी रूपांतरण शब्द कहे तो उसका मतलब हो जाएगा मूल्य। मूल्य शब्द का शब्दकोश की अर्थ है कि व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिससे उसकी वास्तविकता पता चले। अरे यार आप ऐसे लिख सकते हो कि मूल्य भैया वो है कि जिससे उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकते हैं जा सकता है। मूल्य कहलाता है कि वो वस्तु किस लेवल की है, किस मानक पर स्तर पर खरी उतर रही है, ठीक है। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? या कह रहा है बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, तो ये सारी बाल अपराध में आ जाएंगी। बाल अपराध में हमारे समाज में चल रहे हैं बाल अपराध, जैसे भैया गरीबी हो जाएगा,
और भुखमरी हो जाएगा, तो ये हमारा सब बाल अपराध है, ठीक ना। अशिक्षा भी उसका एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1781 में, और किसके द्वारा, यहाँ पर वॉरेन हास्टिंग द्वारा मदरसा खोला गया था बनारस। देखिएगा यहाँ पर मदरसे की बात करी गई है, यहाँ पर बनारस में संस्कृत कॉलेज, तो भैया 1791 में जोनायल डंकल के प्रयास से, और जो डंकन साहब थे, यहाँ पर जो है बनारस संस्कृत कॉलेज की यहाँ पर स्थापना हुई थी। कब थी? 1791। और यहाँ पर 10 साल की अगर पीछे की बात करें तो मदरसा में 1781 बैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया था। अभी बताया कि 1835 में बुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित करी थी, तो भैया 19 जुलाई 1854 में। अभी बताया न्यू औपचारिक शिक्षा, देखो शिक्षा से एक क्वेश्चन आना है, अभी मैं बता दूंगा आपको, वो क्वेश्चंस आने वाले हैं जो मैं एकदम आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्नों में न्यू औपचारिक शिक्षा के माध्यम साधनों के में जो है किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला जाता है, तो आयु का कोई बंधन ही नहीं होता है न्यू औपचारिक शिक्षा में। और औपचारिक अनौपचारिक अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। देखो औपचारिक अनौपचारिक दूरस्थ शिक्षा से 3 शिक्षाएं हैं, इसमें से एक शिक्षा आपके 100% पेपर में आ रही है, आप लिख के रख लो, ठीक है। शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि ऐसी व्यक्ति को खुशी जो है और राज्य कल्याण के लिए है। ये किसका कथन था भैया? प्लेटो का। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ होती है, तो आप हो गए सर 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष तक। यूपी टेट में बेहतर स्कोर करने के लिए, अभी क्वेश्चन और है, ठीक है, यूपी टेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, एक सीट हम सरकारी विद्यालय में चाहते हैं, ठीक है, माफी चाहेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये यूपी टेट आपको क्रैक करना है इस बार, तो क्रैक करना है, फटाफट लग जाए एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट है यूपी में मटेरियल। नेक्स्ट है भैया हंटर कमीशन जो आया था भैया, विशेषता क्या थी उसकी, हंटर कमीशन की विशेषता, तो हंटर कमीशन की जो आयोग था उसका जो है, आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व तो भारतीय को जो है देने का सुझाव दिया, जिससे राष्ट्र में चेतना जागृत हुई। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो भारतीयों के हाथ में देने का सुझाव किया। बुड के घोषणा पत्र के 4 दोष, आपको 4 दोष, पहले बात समझ लीजिएगा, बुड का पत्र, बुड का पत्र मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, बुड का जो पत्र थी उसके एक सिफारिशें आती है लिखने को, तो सिफारिशें में आप ये लिखना कि बुड ने जो है पूरी तरीके से जो भाषा को रखा था वो तो रखा था इंग्लिश का। बुड का एक ही मकसद था कि भारत में अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपनी भाषा और अपने साहित्य यानी अंग्रेजी साहित्य के बल पर भारत में जो प्रदर्शन है उसको उठाया जाए और उसकी सिफारिशें हैं वो उनके ही बल पर लाई जाए। सिफारिशों में अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा योगदान इनमें रखा गया, जिसमें संस्कृत हो या फिर ये सब इनमें नहीं रखा गया। पाश्च्य दर्शन में इन्होंने ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जबकि भारतीयों को इन्होंने जगह नहीं दी, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पर बुड के घोषणा पत्र के 2 दोष, सरकार को सौंप कर शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके उसके नौकरशाही स्थापित कर दिया, भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देकर कि ब्रिटिश सरकार को मजबूत बनाने में सरकार का सहयोग दे सके। भैया ये तो आपको पता है, भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामित्व बनाना था, इससे भारतीयों को विशेष लाभ ना पहुंच सके, ठीक है ना। भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा बनी रही। अब यार यहां पर मैंने बताया वही चीज रिपीट करना है, तो आपको कुल मिलाकर जब भी आपको लिखना है तो अंग्रेजी साहित्य को ही इन्होंने सर्वोपरि माना है बुड ने। मैकाले के भैया क्या माना जाता है? अग्रदूत माना जाता है, तो मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेजी विद्वान था जिसने पाश्च्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। मैकाले के विवरण पत्र में भारत के अनेक पाश्च्य पाश्चात्य ज्ञान जो है विज्ञान के द्वार खोल दिए। अंग्रेजी साहित्य या शिक्षा कहें भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उसमें राजनीतिक जागृति जो है उत्पन्न की। कुल मिलाकर अगर कहें कि अच्छा है, लेकिन इनमें बहुत सारी कमियां भी थी जो आपको खुद ही दिख जाएंगी। मिशनरी स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आने की पूरी तरीके से संभावना है। कक्षा शिक्षण, अब विशेषता क्या थी? कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो कक्षा शिक्षण आजकल चल रहा है वो भैया मिशनरी स्कूल का है। आधुनिक शिक्षण विधियां का प्रयोग भी किया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी, ये बहुत अच्छी बात है। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ था? तो आप सर कहोगे कि कितना खर्च हुआ था, आपके सामने पूरा पूरा बजट लिखा है, ठीक है ना, 13,328.79 करोड़। अब यहाँ पर जो है
खर्च तो कर दिया था, बात कब की है, 2001-2002 में सर्वशिक्षा अभियान में शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर सर्वशिक्षा की अभियान की शुरुआत, ये आपको डेट लिखी है। बाल अपराध कब और किसके द्वारा जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया, तो आपके अगर सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, क्या अपने आप से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं? जी हाँ सर, अभी मैंने बताया कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, अशिक्षा है, भुखमरी है, इन सब का कारण जो है क्या होता है, कारण क्या है, यही सभी कारण है, और इनसे जो रिजल्ट आता है वो हमारा आता है बाल अपराध। जब किसी बच्चे को द्वारा कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य कर किया जाता है तो किशोर अपराध या बाल अपराध कहलाता है। कानूनी दृष्टि से बाल अपराध 8 वर्ष से 16 वर्ष से कम आयु की जो होती है, एज 8 से 16 वर्ष के बीच वाले बच्चे जो है बाल अपराध के शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। बाल अपराध ऐसे कोई नहीं करता है, जब कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं तभी होता है। विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 में संशोधित 2000 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे या 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी को श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आप लिख लोगे। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से क्या समझते हैं, संभावना है आने की। सफाया व सईदा के अनुसार यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय एकता वह सूची चेतना है जो विश्व समाज में एक राष्ट्र का अस्तित्व बनाए रखती है, तथा एक राष्ट्र यदि अपनी अस्तित्व कायम रखना चाहता है तो वह विश्व समाज में शांति बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा तथा युद्ध से बचना होगा। यार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से तो आप यार पूरे राष्ट्र में अगर रहते हो तो अपने मस्तिष्क से विचार जो आ रहे हैं तो वो उनको लिख सकते हो। मैं गोल्ड स्मिथ की परिभाषा बता दे रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का सदस्य सदस्य ही नहीं है वरन उसका नागरिक भी है, विश्व का नागरिक भी है। तो ये गोल्ड स्मिथ उस टाइम याद नहीं आ रहा है, तो इनकी परिभाषा तो याद आ सकती है। कुछ पॉइंट यहाँ से लीजिए, कुछ पॉइंट यहाँ से लीजिए, कुछ पॉइंट यहाँ से लीजिए, यार लिखना है ना अपने को, कुछ नहीं है ना, बस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का परिचय दीजिए। अब शिक्षा के विभिन्न प्रकारों में मैं 3 क्वेश्चन आपके आगे डिस्कस करना हूँ, 3 में 1 की पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी है, 100%, 99% नहीं 100%। 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो एक समय व स्थान, अध्यापक और पाठ्यक्रम इनमें पहले निर्धारित होता है, यानी आप कह सकते हो अपनी भाषा में पूरी तरीके से रटना नहीं है, क्या लिखना है मेरी बात ध्यान से सुनना, कि ऐसी शिक्षा जो समय और स्थान के अंदर हो, एक समय सीमा के अंदर हो, एक समय सीमा जिसका स्थान निश्चित हो, समय निश्चित हो, वो भैया कहलाती है औपचारिक शिक्षा। और जिसका कोई समय स्थित निश्चित ना हो, कोई स्थान निश्चित ना हो, कभी भी शिक्षा, कहीं भी शिक्षा ली और दी जा सकती है, यानी जीवन पर्यंत शिक्षा चलती रहती है बुढ़ापे तक, वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा क्या है, दूरस्थ शिक्षा वही शिक्षा है जो आप अभी पढ़ रहे हैं हमसे घर बैठकर। यहां पर कोई भी हम ना आमने सामने आपको पढ़ा रहे हैं, आप डाक द्वारा प्राप्त करते हैं पत्र, उनके द्वारा हम अपने विचार आचार आदान प्रदान करते हैं शिक्षा को, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, यूट्यूब, ऐसे साधन हैं दूरस्थ शिक्षा के, इसमें गुरु और शिष्य आपस में सामने बैठकर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरनेट का माध्यम आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपके लिए, और आपको यहाँ पर मैकाले और बोर्ड आपको बता दिया है, देखिएगा आपकी जो पॉसिबिलिटी 100% है मैकाले बोर्ड सिफारिश है, मैकाले बोर्ड, ठीक है। और शिक्षा के 3ों में से 1 क्वेश्चन आएगा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ जिसका मैंने वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, द्विमुखी कहा था रास ने, जब त्रिमुखी कहा था डयूबी साहब ने, तो मैंने वो पूरा बताया। उस वीडियो को देखने के लिए आप फटाफट उन 40 प्रश्नों को देख लीजिएगा, नीचे लिंक दे दूंगा, सभी जो है आप वीडियोस को देख लो फटाफट, आप कर जाओगे 100%। आपको हमारे व हमारे परिवार की तरफ से अग्रिम एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।